हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जीआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। ये दोनों टर्म ऐसी हैं जिनमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, कितना डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन दोनों टर्म को समझाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा अबाउट द कैरेक्टर एंड ट्रेट, उसके बाद फिर हम उन चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, कैरेक्टर क्या होता है, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारा स्किन का कलर है, हमारे हेयर का कलर है, आंखों का कलर है, हमारी हाइट है, ये सब कैरेक्टर होते हैं। इन सबको हम कैरेक्टर बोलते हैं। और ये कैरेक्टर हमारे जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए में जो जीन है, वो डिसाइड करते हैं। हमारे पास जैसे जीन होंगे ऐसे ही हम कैरेक्टर को बिल्डअप करेंगे। तो जितने भी हमारे पास चीजें फिनोटाइप हमें दिखता है उनको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, हाइट हम ले सकते हैं, तो हमारी हाइट एक कैरेक्टर है। जैसे हमारा स्किन कलर है, ये भी एक कैरेक्टर है। लेकिन ये तो कैरेक्टर है, फिर ट्रेट क्या होते हैं? देखो, हाइट है लेकिन सबकी हाइट सेम तो नहीं होती है। कोई टॉल होते हैं, कोई ड्वार्फ होते हैं, कोई सेमी ड्वार्फ होते हैं, मतलब कोई बहुत छोटे हैं हाइट में, कोई ठीक मीडियम है और कोई काफी लंबे होते हैं। तो कैरेक्टर तो होता है हाइट। अब उसमें जितने भी वेरिएशन है, यानी टॉल है, ड्वार्फ है, या फिर स्किन के कलर में लगाएं ब्राइट है या फिर डार्क है, ये सब होते हैं ट्रेट। ठीक है, जैसे हाइट की बात करते हैं, तो हाइट में हम बात कर रहे हैं टॉल की और हम बात कर रहे हैं ड्वार्फ की। दोनों ही हाइट हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो इन्हें हम कहेंगे ट्रेट। यानी कि कैरेक्टर क्या है? हाइट है। जबकि टॉल एंड ड्वार्फ क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं। तो कैरेक्टर अपने आप में कुछ नहीं है, होता क्या है? ट्रेट्स होते हैं। लेकिन इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये बातें समझ आई होंगी कि हाइट क्या है, कैरेक्टर है, जबकि टॉल होना, ड्वार्फ होना, मीडियम हाइट होना, ये सब क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहां हमने बात की है कि हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब कहां से आते हैं? हमारे डीएनए में जो जीन है वो डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर कैसा होगा। कैरेक्टर तो होगा ही, लेकिन कैरेक्टर में ट्रेट कौन सा होगा? अब देखो, हमारी हाइट कुछ ना कुछ तो होगी ही, यानी हमारे पास हाइट का जीन तो होगा ही, लेकिन वो हाइट का जीन हमें टॉलनेस दे रहा है या ड्वार्फनेस दे रहा है, वो ट्रेट होता है। ठीक है, अब हमने ये तो कहा है कि जीन हमें कैरेक्टर देता है, लेकिन ट्रेट जो है, जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, वो हमें कौन देगा? क्या उसके लिए कुछ और होता है? ऐसा नहीं है, जीन ही होते हैं जो हमें टॉल या ड्वार्फ देते हैं। लेकिन जीन वर्ड तो हमने कैरेक्टर के लिए यूज कर लिया है, अब टॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो यहीं पे टर्म आती है एलील। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये क्रोमोसोम होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी सेल है, हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है 23 पेयर्स होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 46 इन नंबर होते हैं। अब इन 46 में दो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, बाकी दो एक जैसे होते हैं, बाकी दो एक जैसे होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 23 और बाकी के जो 23 है वो दोनों एक जैसे होते हैं। किस तरीके से? देखो, ये 23 है, 23 है। हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये मान लेते हैं सेकंड क्रोमोसोम है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे इन द सेंस क्रोमोसोम है, जीन है। तो मान लेते हैं कि ये जो जीन है ये हमें हाइट देता है। तो ये जो क्रोमोसोम है जो इससे अलग है, लेकिन इसके ऊपर भी जीन है और यहां पर ये जीन भी हमें हाइट ही देता है। तो देखा आपने, दोनों क्रोमोसोम हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पर जीन एक ही कैरेक्टर के लिए है। उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये कोई अलग बात नहीं है, हमारे सारे सेल में ऐसा ही होता है कि दो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं जिन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहां आता है? हो सकता है कि ये जो जीन है यहां पर, इसके पास ये जो जीन है ये टॉलनेस के लिए हो, है तो हाइट के लिए ही। देखो, टॉल भी तो हाइट है, तो ये जीन हाइट के लिए है लेकिन टॉल देता है, टॉलनेस देता है। जबकि यहां पर ये जो जीन है ये भी हाइट के लिए है लेकिन ये ड्वार्फनेस देता है। यानी अगर मेरे पास ये वाला जीन आ जाए तो मैं ड्वार्फ हो जाऊंगी, अगर ये वाला आ जाए तो मैं टॉल हो जाऊंगी। है तो दोनों हाइट ही, तो हम क्या करेंगे कि ये जो जीन है यहां पर भी ये जीन है, यहां पर भी हाइट देता है, लेकिन ये वाला टॉल और ये वाला ड्वार्फ। ठीक है, तो कुछ तो डिफरेंस आया ही होगा, तभी तो एक ने टोल किया है, एक ने ड्वाफ किया है। तो ये भी जीन हाइट का, ये भी जीन हाइट का, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस कहां आ गया? ये टोल है, ये ड्वार्फ है।
तो यहां इस डिफरेंस को बताने के लिए ही हम ऐसे कह देते हैं कि ये हाइट के लिए एलील नंबर 1 है और ये हाइट के लिए एलील नंबर 2 है। मतलब वो जीन जो हमें हाइट देता है उसकी भी दो फॉर्म है, एक जो टोल देती है, एक जो ड्वार्फ देती है। तो इन अलग अलग फॉर्म को बताने के लिए हमने एलील वर्ड का यूज किया है। तो देखो एलील और जीन बिल्कुल सेम बातें हैं, एलील कुछ अलग की चीज नहीं है, एलील जीन ही है, लेकिन उस जीन की दो फॉर्म है, उसको हमने बोल दिया है एलील। ये भी जीन हाइट के लिए है, ये भी जीन हाइट के लिए है, लेकिन ये टोलनेस देता है, ये ड्वार्फनेस देता है, तो उसको हमने एलील 1 बोल दिया है, इसको हमने एलील 2 बोल दिया है। तो दिस इज दैट डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। ओके, आई होप यहां तक चीजें समझ आ गई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं जीन किसके लिए होता है, जीन वर्ड हम यूज कर देते हैं कैरेक्टर के लिए। जैसे मैं बोल सकती हूं कि मेरे पास स्किन के कलर के लिए जीन है, तो वो क्या है, कैरेक्टर है। और स्किन में भी कौन सा कलर है, यानी कि ब्राइट है या डार्क है। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूं कि मेरे पास हाइट के लिए जीन है, अब हाइट में भी क्या, टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है, तो वो एलील डिफाइन करते हैं। जैसे कैरेक्टर के लिए हम बोल देते हैं जीन है, और कैरेक्टर में भी हम और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए, यानी कि टोल है या फिर ड्वार्फ है, या फिर यहीं पर बोले कि हम ट्रेट है। टोल ड्वार्फ को भी ना लिखूं मैं अगर, तो मैं यहां लिख सकती हूं कि ट्रेट है। तो जिस तरीके से कैरेक्टर के लिए हम जीन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसके जो ट्रेट है उनके लिए हम एलील वर्ड यूज कर देते हैं कि इस ट्रेट के लिए ये वाला एलील रिस्पॉन्सिबल है, और कैरेक्टर में ही दूसरे ट्रेट के लिए ये वाला एलील रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ये दोनों इसी की फॉर्म है और ये दोनों भी इसकी ही फॉर्म है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आ गई हैं कि जीन और एलील, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब आपको यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी लगती है कि डाउट में है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।